हे गाइस, दिस इज टेना फुटबॉल और वेलकम बैक टू अ चैनल। आज मैं आपको इंडिया के कुछ प्लेयर्स की, लगभग 10 प्लेयर्स की, इंडिया के जो फेमस प्लेयर हैं इंडिया में, उनकी सैलरी के बारे में बताऊंगा। सैलरी तो नहीं कहना चाहिए, वेजेस कहना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल में अक्सर वेजेस होता है और वेजेस हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो मैं आपको इनकी इनकम के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लगे, ताकि आपको पता चल पाए कि इंडियन फुटबॉल में भी इनकम है, आप इसमें भी करियर बनाने का सोच सकते हैं। तो आपको मैं इंडिया के टॉप 10 प्लेयर्स की, लगभग 10 प्लेयर्स की सैलरी का बताऊंगा, इनकम का बताऊंगा, जो पर ईयर कमाते हैं, लगभग ISL से जो कमाते हैं। नंबर 10 पर जो है वो मनवीर सिंह, इनकी सालाना की इनकम 1.6 करोड़ है। फिर उसके बाद नंबर 9 पे विपिन सिंह, सालाना इनकम इनकी 2 करोड़ है। उसके बाद धीरज सिंह 8 नंबर पे हैं, इनकी सालाना इनकम 1.8 करोड़ है। फिर नंबर 7 पे हैं अनिरुद्ध थापा, इनकी सालाना इनकम 1.4 करोड़ है। फिर उसके बाद नंबर 6 पर हैं संदेश झिंगन, इनकी लगभग 1 करोड़ इनकम है। फिर उसके बाद नंबर 5 पे हैं सुब्रतो पॉल, इनकी भी लगभग 1 करोड़ सालाना इनकम होती है। फिर नंबर 4 पे हैं गुरप्रीत सिंह संधू, इनकी इनकम लगभग 1.6 करोड़ है। फिर उसके बाद नंबर 3 पर हैं उदांता सिंह, इनकी लगभग 60 लाख सालाना इनकम होती है ISL से, जी हाँ। फिर नंबर 2 पे हैं अमरिंदर सिंह, इनकी लगभग इनकम 1.2 करोड़ सालाना की होती है ISL से। फिर नंबर 1 पे हैं सुनील छेत्री, इनकी जो इनकम है वो 1.6 करोड़ रुपए ISL से होती है, जी ISL से बेंगलुरु FC इन्हें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा सुनील छेत्री की मैं थोड़ी इंडियन टीम की सैलरी बताऊं, तो इंडियन टीम इन्हें सालाना लगभग 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक सालाना पे करती है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इंडियन फुटबॉल में भी कितना पैसा है, आप इसमें भी अपना करियर बनाने की सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलता, अच्छा पैसा मिलता है, ISL वगैरह में अच्छा पैसा मिलता है, तो आप इसमें भी करियर बनाने की सोच सकते हैं। देखिए, ये मैंने गूगल किया, ट्रांसफर मार्केट से रिसर्च करके ये सब बनाया है, ये सब इंफॉर्मेशन गैदर की है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अक्सर होता ही है, क्योंकि ये सब परफॉर्मेंस पे बेस पे चलता है, वेजेस हमेशा परफॉर्मेंस के बेस पे चलते हैं, तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और डेफिनेटली गाइस, फुटबॉल में क्रिकेट से ज़्यादा पैसा मिलता ही है। अगर आप इंडिया के बाहर यूरोप साइड देखो, तो मेसी, नेमार जूनियर और रोनाल्डो लोग की सैलरी देखो, तो ये लगभग 300-400 करोड़, 500-500 करोड़ पर ईयर फुटबॉल से कमाते हैं, जी गाइस, क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया में अभी उतना पॉपुलर नहीं है, तो जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कम है इनकी इनकम। बाकी जहाँ पॉपुलर है, तो फुटबॉल में भी बहुत पैसा है, डेफिनेटली क्रिकेट से ज़्यादा पैसा मिलता है फुटबॉल में। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा मिलता है फुटबॉल में। मैसी, रोनाल्डो और नेमार की सैलरी 300-400 करोड़, 500-500 करोड़ पर ईयर कमाते हैं ये लोग फुटबॉल से। तो पॉपुलर है, इसीलिए गाइस इंडिया में भी ये पॉपुलर हो सकता है, अगर आप लोग सपोर्ट करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लोकल लेवल पे फुटबॉल प्लेयर्स की सैलरी बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं आपको लोकल लेवल के प्लेयर्स की भी सैलरी के बताऊंगा कि उन्हें कितना मिलता है लोकल लेवल पे खेलने पे। ऑलराइट गाइस, यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं ऐसे ही फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ, उनके ट्रायल के और फुटबॉल के इंफॉर्मेशन वीडियो लाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।